हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एंड्रॉइड गेमर पर चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पोकेमोन XD डार्क गैलेक्सी गेम टेस्ट करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों हम दो एमुलेटर में टेस्ट करने वाले हैं इसे, एक तो डॉल्फिन एमुलेटर ऑफिशियल अपडेटेड और अपना कस्टम बिल्ड एमुलेटर जिसे अपडेट नहीं मिला है 9 महीने से। 9 महीने से ज़्यादा या फिर 9 महीने से कम हो गया मेरे ख्याल से, लगभग इतना ही है अंदाजे से बोल रहा हूँ। तो ये है बात दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ डॉल्फिन एमुलेटर्स की सेटिंग्स भी बताने वाला हूँ जिससे आपकी गेम परफॉर्मेंस थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों डॉल्फिन एमुलेटर ऑफिशियल लगा लिया है दोस्तों मैंने, और अगर आप रेडमी नोट 8 प्रो है दोस्तों डिवाइस, आपको डिवाइस बता दूँ मैं, और अगर आप भी लेटेस्ट डिवाइस रखते हैं अपने पास तो मैं बताऊँगा आपको कि वीडियो बैक एंड जो है ये, इसे आप वॉलकैन पे सेट करके रखें, ओके। क्योंकि दोस्तों ये अच्छी परफॉर्मेंस देता है ओपन जीएल से, मैंने इसे टेस्ट करके देखा है इस गेम पे, और ये ओपन जीएल से दोस्तों आपको अच्छी परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको ये वाली सेटिंग्स बता दी, एंड आपको मैं बता देता हूँ आपको ये 2x पे चला सकते हैं, इसे 2x पे चला लीजिए क्योंकि आपको गेम परफॉर्मेंस और ग्राफिक दोनों ही अच्छी देखने को मिल जाएगी। इसे भी 2x पे कर दीजिएगा एंड इसे भी 2x पे, जिसके पास दोस्तों हाईएस्ट प्रोसेसर फ़ोन है उसके लिए ही मैं इसे अलाउ कर रहा हूँ, वरना तो आप इसे 1x पे एंड इसे ऑफ 1x पे रखिएगा। और आपको दोस्तों ये वाली सेटिंग मैं आपको दिखा दूँ, हाँ, तो इस वाली सेटिंग को ऑन नहीं करना है, इस गेम में आपकी गेम क्रैश हो जाएगी, ठीक है। एंड और आप देख सकते हैं इसमें लाइटिंग इफेक्ट वाला ये सिस्टम इसमें ज़्यादा है नहीं पोकेमोन XD में, तो आप इसे ऑन ना करें तो बेहतर है। आपको ये सब देख लीजिए आप मेरे गेम सेटिंग्स में से, एंड वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में भी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों कुछ सेटिंग्स, एंड इसमें दोस्तों कुछ ज़्यादा है नहीं, इसे आपको इस वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है और कुछ छेड़ना नहीं है। इसे छेड़ने से आपकी गेम की स्पीड इंक्रीज़ भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, डी इंक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। तो छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कुछ है नहीं इसमें एमुलेटर। तो गेम आपको मैं गेम प्ले दिखा देता हूँ। तो मैंने इसे सेव करके रख रखा है, एंड गेम बहुत अच्छी वर्क कर रही है दोस्तों, सही बता रहा हूँ, गेम एकदम फुल प्लेएबल गेम है और कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं है। एंड फ्रेंड्स, मैंने गेम लोड कर लिए और मैं कुछ थोड़ा इसमें एक बग है दोस्तों, पता नहीं इस गेम में बग है या फिर एमुलेटर में। दोस्तों मैं ज़्यादा नीचे प्रेस करता हूँ तो ये ऊपर की तरफ जाने लगता है, देखिए जैसे कि ये इधर लेके आ रहा हूँ मैं इसे, एंड ये तो ये थोड़ी दिक्कत आपके फ़ोन में भी आए तो आप बताना जरूर मेरे को कमेंट में, और इसका सोल्यूशन दोस्तों अगर मेरे को मिलेगा तो ज़रूर आपके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दूँगा यूट्यूब पर, ओके। एंड दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप गेम देख सकते हैं एकदम गेम स्मूथली वर्क कर रही है, एंड कहीं भी लेग नहीं है, एक छोटा सा भी लेग नहीं है दोस्तों इस गेम में। एंड और ग्राफिक आपको मैंने दिखलाई थी 2x पे चल रही है इस वक्त, एंड तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं एक फ़ाइट होते हुए भी दिखला देता हूँ मैं आपको, एक फ़ाइट करके, एंड देखिए गेम में बिल्कुल भी लेग नहीं है ना फ्रेम ड्रॉप भले ही है अपना 40, 39, 32, 29, 22 ऐसे हो रहा है, लेकिन फ्रेम ड्रॉप है अपना, लेकिन अपना एक भी लेग नहीं आ रहा। तो यहाँ पर दोस्तों पीछे आप देख सकते हैं ये ब्लैक हो रही है बार बार स्क्रीन, ये आपका वॉल्केन की वजह से आ रहा है, थोड़ा ऑप्टिमाइज सही नहीं है ये। रिस्पोस्टिंग ऑन और वॉल्केन का बैकग्राउंड वाला चालू कर देते हैं तो फ्री गेम क्रैश होने लगती है, जो मैंने आपको ऑप्शन दिखलाया था उससे सही हो जाता है, लेकिन लेग बीच में आपकी गेम क्रैश हो सकती है तो इसे मत ऑन करिएगा, ठीक है, उसे ऑप्शन को जो मैंने आपको दिखलाया था। तो दोस्तों बस ये गेम प्ले यहाँ पर से हटाते हैं और अपना चलाते हैं अनऑफिशियल, एंड अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको ये लास्ट में क्यों दिखला रहा हूँ, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। मैं बताऊँगा आपको, ऑफिशियल डाउनलोड कर सकते हैं आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डॉल्फिन की, अगर आपको नहीं पता तो दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन मैं लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके लेटेस्ट अपडेटेड डाउनलोड कर सकते हैं। एंड और मैंने आपको अनऑफिशियल कस्टम बिल्ड एमुलेटर भी दे रखा है, आप इसे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों आपको 60 FPS मिलते हैं, बट गेम प्ले आपको एकदम ही घटिया मिलता है, लेग होता है बार बार दोस्तों, भाई लेग होता है। तो मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ, तो आप देख सकते हैं दोस्तों अभी तक गेम स्टार्ट भी नहीं हो गया एंड इसमें एरो आ गए हैं कुछ, और साउंड लेग बहुत हो रहा है, और मैंने शायद इसमें कुछ सेटिंग्स छेड़ी भी नहीं है अभी तक। और ये देखिए गेम लेग हो गई, यहाँ पर फुल लेग हो गई है, चालू हो गई तो लेग हो रही है, देखिए फिर से लेग हो गई दोस्तों। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जो चाहें वो चलाइए, वरना मेरा कहना ये है कि आप ये एमुलेटर ना चलाएं, इसमें मेरे कोई फ़ायदा नहीं है, बस मैं आपका फ़ायदा करने चाह रहा था। तो थोड़ी मैंने आपके लिए डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत। बाय बाय।